दुर्ग पुलिस ने आगामी लोकसभा चुनाव और आदर्श आचार संहिता का पालन कराने शहर में फ्लैग मार्च का दर्शाई अपनी उपस्थिति। इस दौरान दुर्ग पुलिस के आला अधिकारी सहित सभी थानों के प्रभारी और आरक्षक शामिल रहे। छत्तीसगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगे आदर्श आचार संहिता के पालन कराए जाने को लेकर दुर्ग पुलिस ने शुक्रवार की शाम शहर में फ्लैग मार्च कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान दुर्ग पुलिस के आला अधिकारी सहित सभी थाना प्रभारी आरक्षक बड़ी संख्या में शामिल रहे। मार्केट एरिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस बल का गश्त लगाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर नजर आए। पुलिस वालों को देख कर शहरवासी थोड़ी देर के लिए थम गए। इस अवसर पर दुर्ग जिला प्रशासन और निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य लोग शामिल रहे। रेंज के आईजी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मार्केट एरिया में हम फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें के जिला पुलिस बल, सीएएफ, बीएसएफ के अधिकारी कर्मचारी तथा हमारे वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर साहब, हम कलेक्टर मैडम, एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब हम लोग और एसडीएम साहब लोग सभी उपस्थित हैं, एडिशनल डीएम साहब लोग। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए शांतिपूर्वक चुनाव जो कराना उद्देश्य है, तो फोर्स की विजिबिलिटी होना ताकि जो आम जनता है उनके मन में एक सुरक्षा का माहौल उनके मन में आए, तो सुरक्षित माहौल है यहाँ पर, और जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके मन में डर व्याप्त हो ताकि वो अपनी एक्टिविटीज पर काबू करें। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।